नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एवरग्रीन इंग्लिश क्लासेज में। मैं हूं कमलेश शर्मा। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियोज में इंग्लिश साउंड्स एंड सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को अलग अलग डे के हिसाब से हमने लिया है। इसमें दो तीन हम डेज में इसको पढ़ेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं उनको हमने इसमें इंक्लूड किया है। वैसे देखा जाए तो ये पूरी डिक्शनरी ही फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में पढ़ी जाती है, लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उनको मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। तो वन बाय वन करके हम इनके फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन को देखेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है दिस। तो दिस में देखो छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का ये सिंबल इस प्रकार से दिया हुआ है और इसको फोनेटिक्स इस प्रकार से दिस हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं थिक, तो इसमें थ ये थ हो गया और ये आई और फिर के, थिक इस प्रकार से इसको हम लेते हैं। इसमें हम देखते हैं थिंक, तो थिंक में थ, थिंक में इस प्रकार से हैं थिंक और कर, थिंक इस प्रकार से इसमें थिंक को हम लेते हैं। इसके बाद में आता है एच ई ए आर टी एच, हाथ 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 एंड एच एच और फिर ये दो बिंदी और थ हाथ, इस प्रकार से इसमें हम लेते हैं इसको। फिर देखिए इसमें लेंथ, एल ई एन जी टी एच लेंथ, तो लेंथ में इस प्रकार से लिखते हैं। इस तरफ देखें तो टी ओ एम बी, देखो इसमें टूम होता है, ये क्या होता है इसमें टूम होता है, ये इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, हम टूम को टूम होता है। उसी प्रकार ये वूम होता है, वूम को हम डब्लू और डब्लू के साथ में यूँ करके हम इसमें एम लिख देते हैं, वूम हो जाता है। उसी प्रकार कॉम होता है, ये कॉम नहीं होता है, ये कॉम नहीं होता है, तो इस प्रकार से इसको कॉम नहीं होता, ये कॉम होता है। तो कॉम में देखिए यहाँ पर आप इस प्रकार से ये वाला लिखोगे आप कॉम। नेक्स्ट में देखो मोस्ट ऑफ इंडियंस इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं, जब एक्चुअल में इसका जो प्रोनंसिएशन है वो प्रोनंसिएशन पीड्स होता है, ये जो आप देख रहे हैं पी बड़ी ई की मात्रा जिसको हम कह सकते हैं च और श और फिर अ, पीड्स, इसको क्या कहते हैं हम पीड्स कहते हैं। फिर देखो इसमें सी ई डब्ल एल ओ, सबको पता है कि सेलो बोलते हैं इसको, जब एक्चुअल में इसका प्रोनंसिएशन कुछ इस प्रकार से होता है च, ये चे का साउंड सिंबल है और फिर चे और ल औ चेलो, तो इस प्रकार से इसको हम चेलो बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक, शिक, तो ये शिक ये वाला शिक है, ये वाला शिक है और बड़ी की इसमें मात्रा है, तो शिक ये शिक हो गया। उसके हिसाब से नेक्स्ट वॉच, वॉच ज, इसमें देखो व अ और फिर ज, ज ये आ जाएगा इसमें, देखो बी ए एल डी बार्ड, तो बोल्ड होता है ये, बार्ड नहीं होता है, ब ओ ल और ड बॉल्ड। इधर देखें तो वेल्थ, वेल्थ थ थ थ आता है इसमें। इसी प्रकार से डब्ल्यू ओ आर टी एच, ये ओ है यहाँ पर, यहाँ पर क्या है ये ओ है, तो डब्ल्यू ओ आर टी एच वर्थ, तो इसमें आर रथ वर्थ। उसी प्रकार हेल्थ, तो ये हेल्थ हो जाता है। नेक्स्ट में हम लेते हैं लेंथी बोलते हैं, ड नहीं बोलते लेंथी, उसी प्रकार वेल्थी, वेल्थी वेल्थी बोलते हैं। इधर देखें तो ब्लैक, ब्लैक, तो देखो इसके बाद में कोई डबल कॉन्सोनेंट है तो इसमें ये वाली साउंड इंक्लूड है, ब्लेम, इसके बाद में ई की दी हुई है साउंड, तो यहाँ पर ये वाली साउंड इसमें इंक्लूड है, ब्लेम। उसी प्रकार ब्लेड, इसमें भी वही साउंड इसमें यहाँ इंक्लूड की हुई है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हेल्थी, हेल्थी थ वर्थी, तो वर्थी नहीं होगा ये वर्दी होगा, व और दी वर्दी, इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार देखो एग्जाम में कई बार सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कई बार पूछा हुआ भी है, अलग अलग बोर्ड्स में पूछते रहते हैं बी कोच, और यहाँ पर देखो कोच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछ लेते हैं दोनों का अलग अलग, एक साथ देकर पूछ लेते हैं, अलग अलग भी पूछ लेते हैं। तो इसमें तो देखो कोच में ये वाला, कोच में ये वाली मात्रा आती है जबकि इसमें ये वाली मात्रा आती है, मतलब ये सिंबल बोल दो चाहे मात्रा बोल दो समझने की दृष्टि से। नेक्स्ट इस तरफ देखते हैं तो देखो इसमें मिनेस, मिनेस पढ़ने में मिनेस जैसा हम पढ़ लेते हैं लेकिन जबकि मिनेस नहीं है, ये मैनिश, क्या है ये मैनिश। उसी प्रकार ये क्या है मैसेज, मैसेज हम अक्सर बोलते हैं जो गलत हैं जबकि होता है कि ये मैसेज होता है। उसी प्रकार देखो इसमें ये अक्षर आप पढ़ते हैं मेमुआ, मेमुआ, आपको पता है कि आर के बाद में यदि वोवल लेटर लिखा हुआ है तो ये साउंड लेता है, नहीं तो नहीं लेता, तो मेमुआ, मेमुआ, इसको मेमुआ बोलेंगे। उसी प्रकार देखिए इसमें
चैंप बोलते हैं इसको, चैंप, लेकिन चैंप नहीं बोला जाता एक्चुअल में, ये शैंपेन है। क्या है ये? शैंपेन है। इसमें जी साइलेंट है, इसमें कौन साइलेंट है? जी साइलेंट है। तो क्या है ये? शैंपेन, पेन, शैंपेन। तो ए के बाद ई दिया हुआ है, तो ये क्या है? शैंपेन है। इसी प्रकार देखिए आप सी एच ए डबल एस आई एस, चेसिस, चेसिस बोलते हैं, चेसिस नहीं होता, ये सेसीज होता है, से सीज यानी से और सीज, चेसिस नहीं होता है, से सीज होता है। देखो यहाँ देखिए इसमें वेडनेसडे बोलते हैं, जबकि वेडनेसडे नहीं होता है, ये वेंसडे, वेंसडे, वेंसडे होता है। ये इंजन बोल देते हम, इंजन इंजन होता है, ये क्या होता है? ये इंजन होता है, ई एन आता है, इंजन, जिन छोटा आता है, इंजन जिन छोटा आता है, यानी ये आके, यानी कि इसमें ये आके जिन छोटा आता है इंजन। नेक्स्ट इसमें देखते हैं सी यू यू पी बी ओ आर डी, तो ये होता है कबर्ड। क्या होता है? कबर्ड। इसमें अ की मात्रा इस प्रकार वाली है और ये वाली भी है कबर्ड। फिर देखो इसमें एस डब्ल्यू ओ आर डी, तो ये सोड है। क्या है ये? सोड है। फिर कैप्टन बोलते हैं, जबकि होता है क्या ये? कैप्टिन। क्या होता है? कैप्टिन। पॉक, पॉक, यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है, मतलब आ, आ की साउंड आ रही है। यहाँ पर ये अराई, अ राई, ये आ ई आई की मात्रा ये वाली है, अराई। ये देखो इंडाइटमेंट, इंडिक्टमेंट नहीं है, इंडाइटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसी प्रकार देखो डेवलपमेंट बोलते हम, जबकि डिवेल्पमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखें। क्या ये इंपॉर्टेंट है? तो इसका ध्यान रखें आप। और डिवेल्प ये इसका वर्ब के रूप में है, डिवेल्प। नेक्स्ट हम देखते हैं वुमन, तो वुमन इस प्रकार से आता है, लेकिन जब इसको प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल में ये वीमेन होता है, वुमेन नहीं होता है, वीमेन होता है। नेक्स्ट में देखो कफ, इसको कफ बोलते हैं, जबकि कॉफ होता है, कॉफ, कफ ये होता है, ध्यान रखें। उसी प्रकार बूद होता है, बूथ नहीं होता है, बूद, द ये वाला द, बूद होता है। औ या फिर औ, औ, औ या औ, ये वीक है, ये वीक साउंड है और ये स्ट्रोंग साउंड है, ठीक है। ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ, ये वाला एफ, ऑफ, तो ये क्या है? ये इसमें मिस्टेक करते हैं, इसका उच्चारण इसमें भी बोल देते हैं जो गलत है। यहाँ देखिए जाइगेंटिक, क्या ये? जाइगेंटिक है। फिर देखो गोस्ट, गोस्ट, तो ध्यान रखें मैंने आपको पहले बताया है इंग्लिश में घे का और धे से धनुष का दोनों का कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? गोस्ट, अ ओ गोस्ट। उसी प्रकार जीबिट, इसको जीबिट बोलेंगे, यहाँ पर घे का उच्चारण दे रहा है, यहाँ पर जे का उच्चारण दे रहा है, ये तो फ़र्क है, फोनेटिक सीखने की जरूरत इसी की वजह से तो होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव बोलते हैं इसको जो गलत है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है ये? एडजेक्टिव होता है। उसी प्रकार अजोन, 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 इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अजोन। उसी प्रकार ब्रेवो बोलते हैं, ब्रेवो नहीं होता, ब्राओ, ब्राओ, आ आओ, ब्राओ। उसी प्रकार बॉथ, बहुत ही इस प्रकार से लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन होता है। और ये देखें सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी, तो ये सेलिब्रिटी जो बोलते हैं तो ये यूएस उच्चारण है इसका, जबकि इंग्लिश एंड ब्रिटिश इस उच्चारण की बात करते हैं तो होता है सेलिब्रिटी, 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 तो इसका इंग्लिश उच्चारण एंड ब्रिटिश उच्चारण सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी। जबकि हम बोल कौन सी देते हैं? सेलिब्रिटी बोल देते हैं, सेलिब्रिटी, तो सेलिब्रिटी सही है, लेकिन ये यूएस का है। जबकि आपको एग्जाम के ओरिएंट, एग्जाम ओरिएंट के हिसाब से देखना है तो क्या है? ये सेलिब्रिटी है। ओशन, ओशन, फिर इसी प्रकार अब्लाइज, और ये अब्लाइज है, ये क्या है? अब्लाइज है। फिर है प्रोमिश, प्रोमिश, इसमें ओ ई आता है, प्रोमिश। नेक्स्ट इसमें आता है अश्यूम, अश्यूम, बेज, बेज। फिर आता है मोगिज, मोगेज नहीं होता है, मोगिज, रहन रखना। फिर आता है वोल, वोल, इसमें छोटा वो आता है। फिर देखो इसमें बकेट बोलते हैं, बकी, बुके, बुके, बकी, बकी, बकेट नहीं होता है, बुके होता ही है। इधर देखे तो कोलीग, कोलीग, बड़ी की मात्रा। फिर देखो इसमें केशरो, केशरो, केशरो। फिर देखें कैसेट, कसेट, कसेट होता ही है। ज्वेल, ज्वेल, ये ज्वेल है। फिर ये जूओलॉजी, जूओलॉजी, जू का और फिर ओलॉजी, जूओलॉजी,
फिर हैं डेबरी, इसमें से का उच्चारण नहीं है, डेबरी डेबरी बड़ी की मात्रा की तरह है। फिर आता है बकिट, तो बकिट तो बकिट बोलते हैं इसको। फिर हैं डेब्यू डेब्यू, फिर लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट। फिर आता है कर्नल कर्नल, और फिर आता है मोजार्ट मोजार्ट। फिर देखो इसमें टीयर ये वर्ब नाउन के तौर पर, और टेयर इसको बोलते हैं वर्ब के रूप में। और लास्ट हमारे पास आता है डिबॉच डिबॉच और बियर्ड, और ये आता है मस्टास मस्टास। दोस्तों यदि इसकी रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले न्यू नोटिफिकेशन के बारे में आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन हो सके।